आज मैं आपको ये बेहतरीन रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ, आलू बैंगन ड्राई रेस्टोरेंट स्टाइल। सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आलू बैंगन ड्राई बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 बैंगन छोटे साइज के। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको धो लेना है। धोने के बाद ये देखिए ऐसे काटना है, इस तरीके से जैसे कि मैं काट रहा हूँ, फिर ऐसे ये देखिए इस तरीके से काटना है। देख रहे ना आप, मतलब आप जो भी खाना बनाते हैं उसकी कटिंग आपको अच्छी तरीके से करनी है, तभी आपकी रेसिपी बनती है परफेक्ट। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे काट लेना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सारे बैंगन काट लूंगा, आप भी ऐसे ही काट लें। बैंगन ऐसे काटने के बाद आपने लेने उबले हुए आलू 2 और इनको भी काट लेना है जैसे कि हमने बैंगन काटे। देखिए पहले बीच में से 2, फिर ये देखिए ऐसे, मतलब आपने आलू भी लंबे ही काटना है। ये देखिए इस तरीके से, देख रहे ना जैसे कि बैंगन काटे। तो काटने के बाद इनका क्या करेंगे वो आपको बताता हूँ, पहले सब आलू काट लेता हूँ। आलू ऐसे काटने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनको फ्राई करना है। एक जाली में डालना है बैंगन और दूसरी में डालना है आलू, और ये दोनों इस तरीके से आपने तेल में छोड़ देना है। देखिए और आराम से फ्राई करना है। कैसा कलर लेना है आपको दिखाऊंगा फ्राई करने के बाद। इस तरीके से आपने बैंगन फ्राई कर लेना है, एकदम हल्का सा गोल्डन कलर लेना है देखिए। और आलू भी ऐसे ही फ्राई करने हैं। देख रहे ना आप, कलर ऐसा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना लें नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, आलू और बैंगन ऐसे फ्राई करने के बाद इनको इसी तरीके से टांग के रखना है ताकि इनका तेल नचुड़ जाए। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तड़का लगाने के लिए आपने एक पैन लेना है और पैन के अंदर आपने डालना है ये देसी घी। आप तेल में भी बना सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। और 3 टेबल स्पून आपने डालना है देसी घी। उसके बाद देसी घी डालने के बाद आधे से आधा टीस्पून जीरा, आधे से आधा टीस्पून ये मस्टर्ड सीड, 1 चुटकी हींग, ढेर सारा गार्लिक 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ये अदरक, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च। इन सबको आपने देखिए ऐसे चटकाना है बढ़िया तरीके से, मतलब हल्का सा लाल कलर करना है आपने, हल्का सा, जैसे कि मैं अभी इसमें कलर देने वाला हूँ। प्यार से धीरे धीरे चलाते रहें। और आप क्या कर सकते हैं, कलर आने से पहले फ्रेशनेस के लिए इसमें डालें 3 टेबल स्पून प्याज। इससे क्या होता है, आपको महसूस नहीं होता है कि ये खाना ग्रेवी से बना है या फिर आपने सारी चीजें काट के ताजी बनाया। तो आप ऐसा कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है ये 1 छोटा सा टमाटर। टमाटर डाल के गैस स्लो करना है आपने, और यहाँ साइड में डालना है हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ऐसे चलाना है। इससे क्या होगा, कलर आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन, और आपकी मिर्च और हल्दी जलेगी भी नहीं, गैस स्लो। अब आपने इसमें डालना है ये चॉप मसाला, यानी कि कढ़ाई ग्रेवी। अब आप बोलेंगे शेफ ये क्या है, ये कैसे बनाए, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक मिलेगा ऊपर आई बटन में। 4 टेबल स्पून डालना है, इस तरीके से चलाया अच्छे से, देखिए जैसे कि मैं चला रहा हूँ। उसके बाद आपने इसमें सभी मसाले डाल देना है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, और ये मेरा स्टाइल है देखिए, 1 पिंच इलायची पाउडर, ऐसे ऐसे मिक्स किया। नमक 1/2 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आपने इसमें डाल देना ये फ्राई किए हुए बैंगन और फ्राई किए हुए आलू। ये दोनों चीजें डालने के बाद आपने इसमें डालना है धनिया के पत्ते 2 से 3 टेबल स्पून, और ये अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून जरूर डालें। फिर आपने क्या करना है, इसमें डालना है ये जूलियन अदरक
गैस चालू करना है। गैस चालू करने के बाद बड़े ही प्यार से इसको मिलाना है। देखिए अब आप सब्जी की शक्ल देखें बस, मतलब आलू बैंगन भी इतने अच्छे बन सकते हैं आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए, और चलाना ऐसे है, मिलाना ऐसे है ताकि ये बैंगन और आलू टूटे ना, ऐसे साबुत रहे। देखें ना आप, अब ये है पिकअप। क्या सब्जी बनी है, मजा आ गया। ये देखिए एक नंबर शक्ल देख रहे ना आप। तो अब आपने क्या करना है, इतनी मजेदार रेसिपी के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।